गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, दो चैप्टर हम करेंगे, फिर उसके बाद में हम ग्रामर वापस शुरू करेंगे। तो चैप्टर हम शुरू करें उससे पहले, सबसे पहले यहाँ मंगलम है, फर्स्ट चैप्टर से पहले मंगलम को हम पढ़ते हैं एक बार, ध्यान देना। यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्य मा अनम कृष्टयः संबभूः यस्मान् इदं जीवन जिन्वति प्राणदेजत सानो भूमिः पूर्वपेये दधातु। कि जिस भूमि में महासागर, नदियां और जलाशय, जिस भूमि में, जिस धरती में ये महासागर, नदियां और जलाशय आदि विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं, अन्नम यस्मा अन्नम, अन्नम का मतलब होता है भोज्य पदार्थ। तो जहां अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ जो है वो उपजते हैं, जो खेती होती है, तथा कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, यहां पर ऐसा इस भारतीय संस्कृति के अनुसार देखा गया है कि यहां पर लोग जो है वो अपने अपने जो कर्म होते हैं वो करते हैं, और उस कर्म के साथ में अपना व्यवहार भी एक मिलकर एकजुट होकर के रहते हैं। तो कृष्टि संभू, इसका मतलब है कि हम संगठन बना करके रहते हैं, एकजुट होकर के रहते हैं। जिस भूमि में ये सांस लेते हैं, जिस भूमि में ये सांस लेते हैं, प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ खाद्य पेय प्रदान करे। जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, जिस भूमि पर हम सांस लेते हैं, जिस भूमि पर हम खेती करते हैं, जिस भूमि पर ये नदियां बहती है, जिस भूमि पर ये महासागर विद्यमान है, जिस भूमि पर ये झीलें बनती हैं, जिस भूमि पर ये झरने निकलते हैं, जिस भूमि पर ये प्रकृति फैली हुई है, ये हमें भोज्य पदार्थ करते हैं, ये हमें भोज्य पदार्थ करते हैं, ऐसी भूमि को हम बारम्बार नमन करते हैं। ये पहला का था। दूसरा, यस्याश्च च स्तं प्रदिश पृथ्व्या यस्मान अनम कृष्टे संभू या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत सा नो भूमिर गोष्वपन्ने दधातु। जिस भूमि में चार दिशाएं तथा उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, फल, शाक आदि उपजाती हैं, यानी जिस भूमि पर दिशाओं के और उपदिशाओं के आधार पे हमें भोज्य पदार्थ अलग अलग प्रकार के प्राप्त होते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो चार भागों में विभाजित किया गया है, तो इन चार भागों के अंदर अलग अलग प्रकार की जो है वो खेती होती है, अलग अलग प्रकार के अन्न जो है वो उपजते हैं। तो हमें इस अलग अलग प्रकार के जो भोज्य पदार्थ है जो अनेक प्रकारों से हमें प्राप्त होते हैं, जहाँ कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जो ये पहले जैसे श्लोक के अंदर आया था कि कृष्ट संभू, जो सामाजिक जो है संगठन बना के रहते हैं, ये जो भी जितने लोग ये सब कृषि कार्य जो भी करते हैं या जो भी व्यापार करते हैं, वो सामाजिक संगठन बना कर यहाँ पर इस भूमि पर रहते हैं, जो अनेक प्रकार के प्राणियों यानी सांस लेने वालों तथा चलने फिरने वाले जीवों को धारण करती है। जो सांस लेने वाले लोग होते हैं, जो जीवी लोग होते हैं, उनको वो धारण करती है। वह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। हे मातृभूमि, हे मेरी धरती माँ, मेरी भारत माँ, आप हमें गौ आदि जो लाभप्रद पशु है, यहाँ पर गौ को, गौ माता को लाभप्रद बताया गया है, क्योंकि ये एक, ये इनको हमें एक पशु के रूप में न मान करके हमें इनको एक देवी रूप के रूप में माना गया है, ये माता के रूप में कहा गया है। इसलिए ये क्यों कहा गया है, क्योंकि इनसे जो मिलने वाले हमें जो वस्तुएं हैं वो एक अमृत के समान है, सारी की सारी चीज़ें अमृत के समान है। हम इनको शॉर्टकट में कह सकते हैं पंचगव्य। तो पंचगव्य जो होते हैं, गाय का गोबर, गाय गौमूत्र है, गाय का दूध है, गाय का दही है ना, गाय का घी है, ये सब के सब एक दवा से भी बढ़कर चीज है, ये अमृत के समान माना गया है, इसलिए ये जो है वो लाभप्रद है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों के विषय में हमें संपन्न बना दे। हे भारत माता, आप इस तरह से हमें खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों के रूप में हमें संपन्न बनाए, इस प्रकार हमारे यहाँ पर उपज करें, ऐसी उपज करें, हे धरती माँ ऐसी उपज करें कि यहाँ पर रहने वाला हर प्राणी जो है वो सुख से जिए। ये दूसरे का। तीसरा, जन्म विप्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य मे दुहाम ध्रुवेव धेनुर पश्य पुरंती।
अनेक प्रकार के विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी नष्ट न होने देने वाली ऐसी स्थिर जैसी ये पृथ्वी हमारे लिए धन की शस्त्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती हो। अनेक प्रकार के विविध भाषाओं, अब यहाँ भारत देश के अंदर अनेक अनेक जो मैंने जैसे बताया भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग चार भागों में बांटा गया है, तो वैसे भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो भाषाओं के आधार भी कई तरीकों से बांटा गया है हमारे भारत को। तो जैसे कि हम देख राजस्थान में राजस्थानी चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है, तमिल चलती है, कन्नड़ चलती है, पंजाबी चलती है ना, मलयालमी चलती है, तो ऐसे अनेक भाषाएं हैं। लेकिन इन भाषाओं के और अनेक धर्म भी यहाँ पर मानते हैं लोग, हैं हर प्रकार के धर्म के यहाँ पर लोग जो है वहाँ निवास करते हैं भारत के अंदर। तो अलग अलग धर्मों से अलग अलग भाषाओं से मिलकर भी यहाँ पर हमें ये संगठन बनाकर रहते हैं, ये एकता बनाकर रखते हैं, ऐसी भारत माता। यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति जो संगठन बनाकर रहे आप उन पर आशीर्वाद प्रदान करें, एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी नष्ट न होने देने वाली ऐसी स्थिर जैसी पृथ्वी हमारे लिए धन की शस्त्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना देने वाली ऐसी धारणाओं को आप हमें बांधे, ऐसी धारणाएं आप हमें दें जिससे हम कभी थके नहीं, हमारा कभी भी किसी प्रकार का कोई अहित ना हो, हमें हमेशा समान भाव रखने वाली ऐसी भावनाएं बनाए रखें और इसी प्रकार करें हमारा आप, इसी प्रकार हमें आशीर्वाद दें, इसी प्रकार हमारा आप साथ दें धरती माँ, जिस प्रकार गाय जो बिना कहे ही अपने आप दूध दे देती है, बिना कहे ही अपने आप दूध दे देती है, इस प्रकार से आप हमारी माता जो हैं, आप भी हमारी माता हैं, तो आप हमारा इस प्रकार से पालन पोषण किया करें। ये तीसरे का था, तो ये मंगलम शुरुआती था। अब हम पढ़ते हैं प्रथम पाठ जिसका नाम है भारती वसंत गीति ही, भारती वसंत गीति ही, ये भारत ये पाठ है, ये प्रकृति के बारे में पाठ है, ये भारत की जो प्रकृति है, भारत की जो नेचर है उसके बारे में चैप्टर है, हम पढ़ते हैं। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात संकलित अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि जो अभी जो आधुनिक जो अभी का जो माहौल चल रहा है या अभी का युग जो चल रहा है, इस युग के जो कवि हैं जिनका नाम है जानकी वल्लभ जी जो शास्त्री हैं, उन्होंने काकली एक गीत संग्रह से उसको संकलित किया गया है। काकली से प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्य वीणायाः मधुर झंकृत्य प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनास्तु पुरस्सरम कविः प्रकृते सौंदर्यम वर्णयन सरस्वतीं वीणा वादनाय संप्रार्थयते। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को देख करके, अवलोक्य यानी देख करके, अवलोक्य के अंदर जो है एक प्रत्यय आया है। अब ध्यान दें प्रत्यय के अंदर क्या है कि प्रत्यय कहाँ से पहचान होती है, शब्द के अंत में जुड़ता है प्रत्यय, तो अंत में यह शेष रह रहा है, तो यह शेष रह रहा है इसका मतलब यहाँ जो है चार प्रत्यय हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था चार प्रकार के प्रत्यय यह में जिसमें शेष रहता है, लेकिन इसमें मूल शब्द से आगे जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो जहाँ उपसर्ग जुड़ा हुआ हो आगे और उसके बाद में यह आए तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा आपको पता होना चाहिए। तो प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय होगा, तो अवलोक्य यानी करके के योग में होगा। तो प्रकृति सौंदर्य को अवलोक्य यानी कि देख करके एव सरस्वत्यः वीणायाः, सरस्वती की वीणा को मधुर झंकृत्यं प्रभवितुम, आप जो सरस्वती माँ की जो हाथ है जो वीणा है उसको झिंकार के रूप में बजाते हुए इस प्रभाव से आप भावना पुरस्पुरम कवि ही प्रकृति सौंदर्य वर्णन सरस्वती वीणा वादन प्रार्थयते। इस प्रकार जो उससे वो जो सुरीली धुने निकलती है उस धुनों से जो प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार का आप प्रकृति के सौंदर्य का जो यहाँ पर वर्णन जो किया सरस्वती की वीणा के बजने से जो धुने जिस धुनों से जो सात्विक धुने निकलती है या जो जिसको हम कह सकते हैं एक आशावादी धुने जो निकलती है जिससे कई प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, ऐसी इस प्रकृति का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है पंडित जानकी वल्लभ जी
उसने किया यहाँ पर। तो पहला हम पढ़ते हैं, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुंगाय गीति ललित नीति लीनाम मधुरु मंजरी बिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काल काकलीनाम। निनादाय नवीनामय वाणी वीणाम, हे नवीन वीणा वाली सरस्वती माँ, आप अपनी इस नवीन वीणा को आप बजाएं। आप क्या करें, बजाएं, निनादे, निनादे का मतलब होता है आप इसको बजाएं। निनादाय नवीनामय वीणा वाणी, आप अपनी इस वाणी से, इस वीणा से आप नई नई वाणी, नई नई धुने, नई नई बातें आप इससे बजाएं, निकालें बाहर। मृदुंगायम गीतिम ललित नीति लीनाम, और कोमल कोमल प्रभाव से आप इसको गाएं, आप इसको कोमल प्रभाव से आप इसको गाएं। मृदुंगायम गीतिम ललित नीति लीनाम, और सुंदर नीति में लीन होकर के आप इसको गाएं। ललित नीति लीनाम, सुंदर तरीके से आप इस गीत को, इस गीत के अंदर लीन होकर के, मस्त होकर के, मग्न होकर के आप इसको गाएं, है ना। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर यानी कि यहां अति सुंदर मंजरी पिंजरी भूतमाला, आम्र पुष्प, मंजरी क्या मतलब होता है, आम्र पुष्प, आम्र पुष्प और पिंजरी भूतमाला, पिंजरी भूत पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां, जो पंक्तियां निकलती है पीला वर्ण यहां पर सकारात्मकता को यहां पर प्रभाव डाल रहा है कि पीली जो चीज होती है वो सकारात्मक ऊर्जा देती है हमें। तो मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, आप आम्र पुष्प की पीले वर्ण से युक्त जो पंक्तियां हैं वो आप यहां पर कहिए। वसंते लसंती सरसा रसाला, और सुशोभित यहां पर जो पीले रंग की जो आपने जो ये काव्यांश जो आप कर रही हैं वो बड़ी ही रसीली बन रही है, बड़ी रस के साथ बन रही है और उसके भावों के साथ वो बन रही है। वसंते लसंती है, वसंते लसंती सुशोभित हो रही है, कलापहा ललित कोकिला काकली नाम, और इस आम के पेड़ से ये जो आप जो ये पीले वर्ण की जो पंक्तियां निकाल रही है, इस आम के पेड़ से जो सुरीली सुरीली जो खुशबू आ रही है, जिस प्रकार आप बजा रही है वो बड़ी मनमोहक लग रही है हमें। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, और इस कोयल की आवाज, काकली, काकली का मतलब होता है कोयल की आवाज, इस कोयल की आवाज जो है ये जो समूह में है ये बड़े ही हमें सुरीले सुनाई दे रहे हैं। जब कोयल बोलती है तो बड़ी सुरीली आवाज होती है कोयल की। अब कौआ और कोयल दोनों का रंग एक होता है लेकिन उनकी आवाज से हमें पहचान कर सकते हैं कि कोयल कौन है और कौआ कौन है। तो कोयल की आवाज जो है वो मधुर मानी गई है, इसलिए आप कोयल की तरह आप ये धुन निकाल रहे हैं, आप ये गा रही हैं, इस तरह से गाइए जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। हे सरस्वती माँ, हे वीणा वादिनी माँ, आप इस प्रकार से हमारा कल्याण करें। आप इतने अच्छे सुंदर आप लय से वो वीणा बजाएं जिस धुन से अच्छी लय निकले और उससे हमें अच्छा अच्छा सोचने को मिले, हम प्रकृति की ओर जाएं, हमारा भावना जो हमारी भावना है वो प्रकृति के अंदर डूब जाएं, हैं। आम के जो वृक्ष हैं वो इस तरह से पीले पीले पातों की तरह लग रहे हैं और कोयल की जो आवाज़ है वो बड़ी सुंदर सुरीली हमें लग रही है। वहंती मंद मंदम समीरे सनीरे समीरे कलिनिंद आत्मजा सस्व नीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधुम आविनाम। वहंती मंदम मंदम सनीरे समीरे, सनीरे जल से पूर्ण वहती यानी बही जा रही है। अब प्रकृति के अंदर देखिए कि प्रकृति कितनी सुंदर है, हम जाकर के वास्तव में हम अगर देखें उसको अवलोक्य करें तो बहुत सुंदर नजर आती है और हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, धीरे धीरे आप धीरे धीरे देखें तो जल जो है वो अपने पूर्ण अवस्था में बह रहा है। सनीरे सनीरे नीर यानी जल वो अपने स्थिति के अनुसार धीरे धीरे बह रहा है, हैं। समीरे जो हवा है वो भी मंद मंद तरीके से उस प्रकृति के बीच में से घुस घस के निकल रही है, हमारे पास आ रही है। कलिंद आत्मनजा आशा नीर तीरे, यमुना नदी के किनारे कलिंद आत्मनजाया, यमुनाया, यमुना का पर्यायवाची है, उस यमुना नदी के किनारे नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमा अधिवानम, और इस तरह से आप इस पंक्तियों के अंदर मधुर मधुर भाव से ये आप गाइए जिससे हमें बड़ा ही अच्छा अनुभव हो सके। यमुना नदी के किनारे से वो बहने वाली वो नदी, वो मध्यम मध्यम तरीके से चलने वाली नदी और वहाँ पर मध्यम मध्यम तरीके से बहने वाली हवा, ये बड़े ही सुहावनी हमें लग रही है।
ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलयान मारुचो चुंबिके मुंजू कुंजे स्वतंत आंतरी स्वतंत प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम ललित पल्लवे। मन को आकर्षित करने वाले ऐसे पत्ते, ऐसे कई बार पेड़ों के पत्ते होते हैं मन को बड़ा आकर्षित करते हैं, तो ऐसे मन को आकर्षित करने वाले ऐसे पत्ते पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह पर, ऐसे पुष्पों के समूह पर जो ऐसे पौधे छोटे छोटे पौधे होते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूल पुष्प लगते हैं, ऐसे मनमोहक पुष्प आप इस प्रकृति के अंदर बिखेरिए। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलया मरुतो चुंबिके मंजू कुंजे, और इस प्रकार से चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए हो उनकी जो वो डालें जो होती है वो कलियां जो होती है वो नीचे पेड़ की टहनी पर वो टच होती है तो वो चंदन की तरह, वो चंदन की तरह वो खुशबू वहां पर देती है, बिखेरती है। स्वंतिंत प्रेक्ष्य मलिना मलिनम, तो इस तरीके से वो खुशबू जो है वो उसके अंदर स्वतः ही उसके अंदर चंदन की खुशबू उसके अंदर मिल जाती है, जिससे प्रकृति जो है वो खुश नसीब हो जाती है। तो इस प्रकार से आप प्रकृति के अंदर ये खुशबू फैलाइए, भावनाएं फैलाइए, जिससे हमारा भी कल्याण हो सके। लतानां नितांतं सुमं शांतिशीलं चले दुच्छल्लेत कांति सलिलं सलिलं तवाकर्ण्यं वीणां मदीनां नदीनां। लतानां नितांतं, लताएं जो होती है वो नितांत लगातार शांति रूप से उसके वो निकलती रहती है उस प्रकृति के चारों ओर देखा जाए तो है। चले दुच्छ लेत कांति सलीलम, और एक प्रकाश मां की तरह वो फैला देती है हमें। तवात करणीय वीणा मदीना नदीनाम, और तब आप इस तरह से जब वीणा बजाते हैं तो उसके अंदर से निकलने वाली वो तरंगे वो किरणें हमें बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा सुशोभित कर देती है, हमें हमारा बिल्कुल कल्याण के जैसा माना जा सकता है। तो इस प्रकार से है सरस्वती माँ है वीणा मादिनी माँ, आप हमारा कल्याण करें इस तरह से वो वीणा की धुन बजाएं, जिससे इस प्रकृति इस पर रहने वाला इंसान मानव प्रकृति का हर कण वो इसके अंदर वो प्रफुल्लित हो सके। ये प्रथम पाठ था, इसके आपको क्वेश्चन करने हैं, एक प्रश्न उत्तर आप खुद एक बार ढूंढें उसमें से खुद पता करें, ठीक है। आपका होमवर्क है श्लोकों का हिंदी भावार्थ लिखें। Thank you.